गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है ग्राफ। अब ग्राफ के आपने सुना होगा, ग्राफ पेपर रहता है, ठीक है, उस पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ का जो बेसिक है वो आज हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बात जो ग्राफ में जो बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है जो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो क्या होता है, प्लेन है, ठीक है, वहां पे हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे से, राइट। ओके, देन हियर हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक्स एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, राइट। क्या बोलते हैं इसे, एक्स एक्सिस। एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्या, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया वाई एक्सिस, और हमने लाइन को एक्स एक्सिस नाम दे दिया, राइट। ओके, सो दिस इज योर नंबर लाइन। नंबर लाइन तो हमें पता है ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। अब ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कैसे चार पार्ट बन रहे हैं, ओके, दिस प्लेन पे चार पार्ट बन रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। समझ में आई बात। अब ये जो पॉइंट है नंबर लाइन पे, ठीक है, तो ये कैसे बोलेंगे, एक्स के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट है, वन। एक्स के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे टू, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब देखो एक्स के जो है उसे अवेस्ता बोलते हैं, और वाई के उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स के लिए एब्सिसा बोलते हैं, और वाई के लिए ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। ओके, एंड इसको लिखने कैसा है, ऑर्डर हियर, ऑर्डर हियर एक्स वाई, ये आपके ऑर्डर पे, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात। पहले तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोले एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोले है वाई एक्सिस। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। समझ में आ रही आपको बात। अब देखो हमेशा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो ऑर्डर पेयर है क्या है, एक्स वाई, वो हमेशा दोनों के साइन क्या रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर है पॉजिटिव में है, यहाँ पे जितने भी नंबर है पॉजिटिव है, तो इनके साइन हमेशा क्या रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि देखिए टू यहाँ पे, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, इसे क्वाड्रेंट क्या होंगे, टू इस पॉइंट के, एक्स एक्सिस के टू और वाई एक्सिस का टू, दैट मीन्स टू टू। पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस का क्वाड्रेंट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टू टू, तो दोनों के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव है, इट मींस दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, दोनों के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, ओके। एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, पहले तो हम एक्स का साइन लिखते हैं, है ना, एक्स वाई ऑर्डर पे एक्स का पॉइंट लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, सो यह साइन आप निगेटिव पॉजिटिव, ये आपको याद रखने की बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ पे हमारा पॉइंट अगर है हम बोल रहे हैं, तो इसके क्वाड्रेंट क्या हो गए, पहले एक्स के लिए माइनस टू एंड थ्री, तो साइन इज माइनस प्लस, राइट। समझ में आ रही बात, ओके। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दोनों क्या है, निगेटिव निगेटिव, दैट मीन साइन आर निगेटिव निगेटिव, सही बात है, समझ में आ रही आपको। तो एक्स के लिए क्या है, अगर पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं, तो इसके कॉर्डिनेट क्या हो गए, माइनस थ्री माइनस फाइव, दैट मीन्स माइनस माइनस, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन कौन से रहेंगे, निगेटिव निगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस निगेटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव निगेटिव। तो ये आपको याद रखना है, मतलब इस तरीके से याद रखना है कि ये आपको लाइफ के लिए याद रहे, समझ में आ रही बात, ठीक है। ऑर्डर पे कैसे लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं, मतलब सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब पॉइंट कहाँ पे रहता है, मतलब ग्राफ पे पॉइंट अगर ढूंढना है हमको, पॉइंट अगर प्लॉट करते तो कैसे करेंगे, हमको हमको कोऑर्डिनेट दिया है थ्री टू, दोनों के साइड क्या है,
पॉजिटिव पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये पॉइंट कहां पर लाइक करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अगर आपको पूछा कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये कहां पे लाइक करता है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है इसमें से लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। आपको बोला अगर कि शो करो ये ग्राफ पे तो क्या शो करोगे, 3 और 2, दैट मींस पॉइंट कहां पे आएगा, दैट मींस पॉइंट कहां पे आएगा, 3 और 2, मतलब पॉइंट आएगा यहां पे, समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पे शो करना है। अगर आपको एक्सेसिस के लिए कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, एक्सेसिस के लिए कोऑर्डिनेट निकालना तो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, हमेशा x 0, मतलब अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो लाइन ये पॉइंट कहां पे है, x एक्सिस पे, राइट। क्योंकि अगर देखो 2 0 तो 2 कहां है, ये 2 है तो क्या करेंगे, लाइन एक्स ड्रॉ करेंगे, सी आर स्ट्रेट विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। मतलब y कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, 0 था। और अगर y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए हमको तो 0 1, दैट मीन्स जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात, मतलब x एक्सिस के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो हमेशा y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, और अगर y एक्सिस के लिए अगर हम निकालते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। समझ में आ रही है आपको इतनी बात। तो हमने यहाँ पे जितना भी आपको पढ़ाया ग्राफ के जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ साइन याद रखना है कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन है और ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज में हमारे क्या बोला है, एक्सरसाइज में क्या बोला है, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट है वो लाइक करते हैं, ओके। सो मैंने आपको बताया अगर पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है द लाइट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं, राइट, ओके। सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज 5 3, क्या है फर्स्ट पॉइंट हमारा, 5 3, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, दोनों कोऑर्डिनेट कैसे पॉजिटिव है, दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, देयरफॉर इट लाइज ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो कहां पे लाइक करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। देन -6 -4, दोनों के साइन कैसे है, नेगेटिव है, दैट मीन्स वो कहां पे लाइक करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। नेक्स्ट थर्ड में भी -10 -5 है, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे। देन फोर्थ 3 -5, यहाँ पे देखिए साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव भी कहा आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आपको सिंपली वन लाइनर लिखना है कि ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं, ठीक है, समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑन विच एक्सिस टू द फॉलोइंग पॉइंट लाइक, मतलब किस एक्सिस पे ये जो पॉइंट है ये है लाइक करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर अगर y एक्सिस 0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो x एक्सिस पे पॉइंट रहेगा, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पे रहेगा, राइट, ओके। सो फर्स्ट में क्या बोला है, -6 0, राइट, -6 0, तो यहाँ पे 0 क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहां पे लाई करेगा पॉइंट, डेफिनेटली वो x एक्सिस पे लाई करेगा, राइट, ओके। सो हियर y कोऑर्डिनेट इज 0, दैट मींस दिस पॉइंट इज लाई ऑन x एक्सिस, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड में x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, हियर x कोऑर्डिनेट इज 0, दैट मींस दैट पॉइंट इज लाई ऑन y एक्सिस, राइट। तो इस तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी करना है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, मतलब आपको ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट प्लॉट करना है। अब चलिए देखते हैं कि प्लॉट कैसा बनेगा, प्लॉटिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। क्या है फर्स्ट पॉइंट, -3 5, मतलब क्या है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 5, x
कोऑर्डिनेट क्या है माइनस थ्री, तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस थ्री माइनस थ्री यहाँ पे है, ठीक है। और फाइव ये किसका कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट है, तो देखो निगेटिव है पॉजिटिव है, किस कोऑर्डिनेट में रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो हियर माइनस थ्री एंड फाइव, दैट मीन्स पॉइंट कहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा माइनस थ्री फाइव, है ना, यहाँ पे हमको मिलेगा पॉइंट। अगर आप चाहे तो इसे ज्वाइंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर बोला है कि ये पॉइंट प्लॉट करो ग्राफ में, तो आप कैसे करोगे, पहले तो देखोगे माइनस थ्री कहाँ पे, तो वहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे एंड फाइव वो एक्सिस का, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव है डेफिनेटली वो पॉइंट कहाँ पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो दिस इज योर पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है माइनस सिक्स माइनस थ्री, तो माइनस सिक्स कहाँ पे है एक्स एक्सिस के लिए, उसको अगर आगे बढ़ा तो ठीक है माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स का क्या बोला है माइनस थ्री, दैट मीन्स पॉइंट इज दिस माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री, दोनों साइड नेगेटिव है, कहाँ पॉइंट रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट पे। समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से प्लॉट करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। अब जो नीचे जो पॉइंट है उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या है एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर, क्या है एक्स इज इक्वल टू फोर एंड y इज इक्वल टू माइनस थ्री, y इज इक्वल टू माइनस थ्री, x इज इक्वल टू फोर है, y इज इक्वल टू माइनस थ्री, कैसे ड्रॉ करेंगे, x का कोऑर्डिनेट क्या है फोर है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है फोर है, फोर है पॉजिटिव में, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, और उसे नाम क्या देंगे x इज इक्वल टू फोर, देन y इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो y इज इक्वल टू माइनस थ्री मतलब कहाँ पे आ रहा निगेटिव यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपको अलग अलग ग्राफ पे करना है, एक ग्राफ पे नहीं आपको अलग अलग ग्राफ पे करना है, तो इस लाइन ड्रॉ करके इसको बोलेंगे y इज इक्वल टू माइनस, तो आपको समझ में आ रही है बात किस तरीके से आपको ये करना है, क्योंकि इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत हो गया, बहुत काफी है, ठीक है, बेसिक हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देख ली है, अब जो बाकी का रिमेनिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you.